दोस्तों, कुछ लोगों को घूमने का काफ़ी शौक होता है और वो घूमने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। और उनके लिए इस दुनिया में काफ़ी सारी जगहें भी हैं जहां वो जाके घूम सकते हैं। पर आज के शुरू में मैं आपको इन जगहों के बारे में बताऊंगा, वहां भूल करके भी घूमने के लिए मत जाना, क्योंकि वहां की सरकारों ने वहां जाने से रोक लगा रखी है। क्यों? इसी वजह को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, स्नेक आइलैंड। ब्राज़ील के तट से 93 किलोमीटर दूर स्थित इस टापू में रहते हैं हर नस्ल के सांप, और वहाँ की सरकार ने इस टापू पर जाने से रोक लगा रखी है, क्योंकि वहाँ हर स्क्वायर मीटर में 4 से 6 सांप मिल जाएंगे। नंबर 4, डिवाइस असेंबली फैसिलिटी, जो कि नवाडा नेशनल सिक्योरिटी साइट में स्थित है। 1980s में इस जगह को न्यूक्लियर बॉम्ब्स को असेंबल करने के लिए तैयार किया गया था। यहाँ हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग हो चुकी है। इस जगह के आसपास रहने वाले लोग हर साल रैलियां निकालते हैं, पर या तो उन्हें पुलिस उठा लेती है या फिर वो किडनैप हो जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ की सरकार एक दिन इस दुनिया को ख़त्म कर बैठेगी। नंबर 3, रूम 39। नॉर्थ कोरिया का रूम नंबर 39 खुद में एक रहस्य लेकर बैठा है। किसी को इसके आसपास भी नहीं भटकने दिया जाता, और किसी ने इसके अंदर के राज को जानने की कोशिश की तो उसे ठोक दिया जाता है। इसके अंदर का राज सिर्फ यही जानता है। कुछ लोगों को लगता है कि इसके अंदर एक ऐसा बटन है जिसे दबाते ही सारे नॉर्थ कोरिया के सारे न्यूक्लियर वेपन्स एक्टिव हो जाएंगे, और कुछ को लगता है कि इसके अंदर नॉर्थ कोरिया के सारे गैर कानूनी काम होते हैं। नंबर 2, एरिया 51। अमेरिका का कहना है कि यहाँ उनके नए जेट क्राफ्ट की टेस्टिंग की जाती है, बट सबका कहना है कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अमेरिका इसे हमेशा से ही छिपाता आ रहा है, और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ एलियंस पे रिसर्च की जाती है, एलियंस पे सीक्रेट रिसर्च की जाती है, और कुछ का कहना है कि यहाँ एलियंस और इंसान मिलकर सीक्रेट रिसर्च करते हैं। नंबर 1, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये बे ऑफ बंगाल में स्थित इंडिया का एक छोटा सा आइलैंड है, जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, और वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं बाहर के लोगों को। एक बार जब इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर वहाँ गया तो उन्होंने उनका स्वागत किया, वो भी आग के तीर और पत्थरों से। इस हादसे के बाद भारत सरकार ने उन्हें उनके हाल पे ही छोड़ने का फैसला लिया है, और वहाँ जाने पर रोक लगा दी है। पर एक अमेरिकन ब्लॉगर ने मछुआरों को कुछ डॉलर्स का लालच देकर वहाँ जाने की कोशिश की, और वहाँ पहुँच भी गया, पर यह सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हुआ। उन लोगों ने उसे इतनी बुरी तरह मारा कि किसी ने सोची नहीं होगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी नई नई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।